हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज देखेंगे 2.6, लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों इसकी। उसके अंदर अपन ने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके पास में लैंग्वेज की क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। जो हरी और हैरी ये दो लोग हैं, इनकी जो एज है प्रेजेंट एज, उनका रेशियो कितना है? 5:7 है, 5:7 है। आज से 4 साल बाद में वो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा, मतलब 3:4 हो जाएगा। तो बताइए कि उनकी आज की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो देखेंगे देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, कौन है पहला? हरी एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी। दो लोग हैं इनकी, देखो रेशियो कितना दे रखा है? 5:7, ठीक है। इसकी 5 साल, इसके 7 साल ही दे रखी है, 5:7 दे रखी है। तो इसको लेट कर लेंगे, 5x को कर लेंगे 7x, ठीक है ना। आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, तो अपन लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद में, एज ऑफ हरी एंड एज ऑफ हैरी। देखो कोई आदमी आज 5x का है तो भैया 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 4 ईयर फ्रॉम, ना, 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 4 साल बड़ा हो जाएगा। कोई आदमी अगर आज 7x का है तो 4 साल बाद 4 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। आपको बताना है इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है ना। ये इनकी 4 साल की एज अपन ने क्यों निकाली? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि जो इनकी 4 साल बाद की एज है ना, इनका रेशियो, ठीक है। देखो रेशियो को अपन 5:2 ऐसे लिखते हैं या 5:2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। 5:2 लिखो या 5:2 लिखो, एक ही बात है। 5:2 या 5:2, एक ही बात है। तो इनका रेशियो हरी और हैरी का एज का, 4 साल के बाद का जो एज है ना इनकी, उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3/4, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है, देखेंगे। इसको सिंपली सोल्व करना है अपने को, जैसे अपन ने इससे पहले तक क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 5 थे उसमें, फर्स्ट टू फिफ्थ के अंदर। देखो उससे पहले लिख लेते हैं हिंदी वालों के लिए एक बार, माना हरि की वर्तमान आयु 5x तथा हैरी की वर्तमान आयु 7x। आफ्टर 4 ईयर की जगह क्या लिखेंगे हिंदी वाले? 4 वर्ष बाद, ठीक है। 4 वर्ष बाद क्या केस हो रहा है, इसकी जगह लिख लेंगे 4 वर्ष बाद एज ऑफ हरी, हरी की आयु तथा हैरी की आयु, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब आपको पता ही है,
प्रश्नानुसार, ठीक है? अभी तक तो आप सीख गए होंगे इतनी हिंदी इंग्लिश। तो देखो, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देखेंगे। तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब इस फोर तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x+4 से, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। देखो आगे, 5 4 20x, 4 4 16, 3 7 21x, 3 4 12। x को एक तरफ ले लेंगे, तो ये 20x माइनस का 21x इधर आया तो माइनस का हो गया, उधर 12 था, ये माइनस 16 उधर गया तो माइनस का हो गया, ठीक है? 16 उस तरफ गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, तो ये देखो 20 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1x। 12 में से इसको माइनस करेंगे किसको, 16 को, तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है? माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 4/1, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4। आपको उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी थी, ठीक है? तो देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ हरी, और दूसरा कौन था, हैरी, हरी और हैरी दो थे ना ये। देखो ये हरी तो कितने का है, 5x का, मतलब 5 × x, x से क्या रख दोगे, 4, x से क्या रख देंगे, 4, तो 5 × x से 4, तो 20 ईयर का हो जाएगा। और ये हैरी कितने का है, 7 × x, मतलब 7 × 4, तो ये हो जाएगा 28 ईयर, ठीक है? हिंदी वाले यहाँ लिखे लिख लेंगे, देयर फोर मतलब इसलिए हरी की वर्तमान आयु तथा हेरी की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी, इसके 20 वर्ष लिख लेना, इसके 28, 28 वर्ष, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। तो क्वेश्चन देखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8, ठीक है? किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर उसके न्यूमिनेटर से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ठीक है ना? इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाई 7, अगर न्यूमिनेटर को 17 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, और डिनोमिनेटर में से एक कम कर दिया जाए, द नंबर ऑब्टेंड इज 3/2, ठीक है? तो रेशनल नंबर से अपने को कौन सा नंबर मिल जाएगा, मतलब वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 के। फाइंड द रेशनल नंबर, तो बताइए कि वो रेशनल नंबर कौन सा था, देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपन क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर किससे बड़ा है, न्यूमिनेटर से 8 ज्यादा है ना, तो लेट द न्यूमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इक्वल टू एक्स। देखो न्यूमिनेटर सबसे पहले लेट क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर इस पे डिपेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कितना ज्यादा है, 8, तो पहले अपने को ये तो बताओ कि न्यूमिनेटर कितना है, ठीक है? हर अंश से 8 ज्यादा है, तो पहले अंश का तो बताओ अपने को, ठीक है? फिर देखेंगे एंड द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर क्या होगा, देखो रेशनल नंबर का इससे 8 ज्यादा हो जाएगा, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ठीक है? देखेंगे, पहले हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं, माना
लेट द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर माना परिमेय संख्या का अंश इतना होगा तथा उसी परिमेय संख्या का हर कितना हो जाएगा फिर x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, ठीक है, अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर रेशनल नंबर जो अपने पास में है ना, ये इसका न्यूमिनेटर तो x है, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 8 है, तो भैया फिर रेशनल नंबर देखो क्या हो जाएगा। रेशनल नंबर होता है क्या है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो होता है रेशनल नंबर, ठीक है। इस रेशनल नंबर में क्या अपने को क्या करना है, देखो जो न्यूमिनेटर में तो इंक्रीज कर दिया जाए 17, न्यूमिनेटर में तो 17 प्लस कर दिया जाए, उस डिनोमिनेटर में से माइनस कर दिया जाए 1, 1 डिक्रीज कर दिया जाए, तो सर अपने को क्या मिलता है, 3/2 मिलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इस रेशनल नंबर के न्यूमिनेटर में से 17 इंक्रीज कर दो, न्यूमिनेटर को 17 इंक्रीज कर दो, अंश को 17 बढ़ा दो और हर को डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दो 1 से, ठीक है, अंश में हर में से एक क्या कर दो कम कर दो, तो ये किसके इक्वल हो जाता 3/2 के, तो बताइए कि रेशनल नंबर क्या था, ठीक है। देखो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, एक्स प्लस 17 एक्स 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 प्लस का, ठीक है। अब आपको पता ही है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 17 और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके x प्लस 7 से, तो x को 2 से करेंगे तो 2x और x को 17 से करेंगे तो 34, ये हो जाएगा 3x प्लस 21। एक्स एक्स को एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा इधर माइनस का 3x आ जाएगा और ये 24 उधर जाएगा तो 34 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में 13, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल मान हो जाएगा इसमें, तो x इक्वल टू कितना 13, ये आपका आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 13, ये आपका x की वैल्यू है, आंसर नहीं है। आंसर आपको क्या निकालना था, उस रेशनल नंबर को निकालना था, ठीक है ना। चाहे तो आप इसके अंदर सबसे पहले रेशनल नंबर लिख सकते थे, यहीं पे आप एक चीज़ लिख लेना कि न्यूमिनेटर इतना है डिनोमिनेटर इतना है, तो देयरफॉर रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर पर डिनोमिनेटर मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस 8, ठीक है, देयरफॉर वो परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में x अपॉन x प्लस 8, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी परिमेय संख्या में उसी रेशनल नंबर में x x प्लस 8 में 17 और 1, इसमें 17 डिक्रीज इंक्रीज करना है, इसमें डिक्रीज करना है, इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है, माइनस करना है, ठीक है ना, तो ये 7/2 के इक्वल हो जाएगा। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 17, आपको तो रेशनल नंबर निकालना था तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर वो रेशनल नंबर आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस 8 था ना, देखो रेशनल नंबर आपके पास में ये था, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 13, तो कितना हो जाएगा 13/21, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या जो आपको निकालनी थी वो आपकी 13/21 है, कौन सी है 13/21।
21। चेक कैसे करोगे, ये 13 है ये 21 है, इसको ध्यान से देखो, ये 13 से 21 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, और इससे ये 8 ज़्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर, इसका मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट और चैप्टर 2 भी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा चैप्टर। कोई भी फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।